शिक्षा मंत्री मंत्री। सरकार कह रही है बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, सरकार स्टाफ ही नहीं दे रही, तो बेटी बचाए बेटी पढ़ाई कहाँ से करेंगे हम? शिक्षा मंत्री, हम ही हमारे देश का भविष्य है, और अगर हमारे स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो हम क्या कर लेंगे? टीचर पूरे नहीं होंगे तब तक धरना ऐसे चालू रहेगा। सरकार, बीजेपी सरकार के एक नारा था गरीबों को शिक्षा नहीं देना, तो ये करके दिखा रही है। शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों व परिजनों में रोष, बोले जब तक शिक्षक नहीं होंगे भर्ती लगातार चलेगा धरना। रेवाड़ी जिले के बिसोहा स्थित राजकीय उच्च विद्यालय का है मामला। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सरकारी स्कूलों में रेशनलाइजेशन और ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी के कारण रेवाड़ी के कस्बा कसोली के गांव बिसोहा के सरकारी स्कूल में भी अध्यापकों की कमी हो गई है। इस तबादला नीति से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों के साथ स्कूल के स्टूडेंट भी गेट पर धरना लगाकर बैठ गए हैं। गांव बिसोहा के ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफर ड्राइव की वजह से स्कूल से अध्यापक तो चले गए, लेकिन उसी अनुपात में स्कूल में वापस अध्यापक नहीं आए। गांव बिसोहा स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में 118 स्टूडेंट हैं, उनमें 80 छात्राएं भी शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि नई तबादला नीति से पहले इस स्कूल में 13 अध्यापक अलग अलग विषय के थे, लेकिन नई नीति के बाद सिर्फ 3 अध्यापक रह गए हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। बच्चों का भविष्य खतरे में देख सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकत्र होकर स्कूल को ही ताला जड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में पूरा स्टाफ हो, हर सब्जेक्ट का हर एक टीचर हो, और मेरा स्कूल 12th लग बने, क्योंकि अभी किसी के माँ बाप, 3-4 लड़कियों के माँ बाप तो ऐसे भी कह रहे हैं कि हम 10th लग बच्चियों को पढ़ाएंगे, आगे जाके हम कापे भेजेंगे बच्चियों को। वो डर रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा, और अब हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल 12th लग हो, पूरा स्टाफ हो, हर एक सब्जेक्ट का टीचर हो, नहीं तो सरकार पर हम विरोध करेंगे। एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, सरकार स्टाफ ही नहीं दे रही, तो बेटी बचाए बेटी पढ़ाई कहाँ से करेंगे हम? 12th तक स्कूल ही नहीं करे तो हम कहाँ से करेंगे? पेरेंट्स कह रहे हैं आगे सरकार बच्चों को भेजे नहीं गे तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से अपनी शिक्षा लेंगे? हमें अपनी हमारी पूरी शिक्षा चाहिए, हमें हमारा पूरा स्टाफ चाहिए, हमारा स्कूल 12th तक होना चाहिए, हमें नहीं पता। सरकार हमारे स्कूल में जो टीचर उन्हें यहाँ से और कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर वो चले गए तो हम कल क्या लेंगे? और ज्यादा से ज्यादा सरकार हमारे, हम ही हमारे देश का भविष्य है, और अगर हमारे स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो हम क्या कर लेंगे? हमें तो सरकार से यही चाहिए कि हमारा पहला स्टाफ वापिस आ जाए। हमारे स्कूल में एसएस का टीचर नहीं है, पीटीएम मैम वो हर क्लास में एसएस पढ़ाती है, और कृष्ण सर जो हमारे ड्रॉइंग के टीचर है ना, वो भी 6th क्लास को एसएस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमें, और हमें सिर्फ यही चाहिए कि हमारे जो पहला स्टाफ था वही वापस आ जाए। सरकार की जैसे जी पहले तो ये स्कूल बनाया क्यों? अगर ये इसको बंदी करना था तो पहले क्यों बनाया था? अब ये बताओ कि इतने बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे आते हैं, ये कहाँ जाएंगे? जब तक सरकारी स्कूल को शिक्षक नहीं दे देती और जब तक ये टीचर पूरे नहीं होंगे तब तक धरना ऐसे चालू रहेगा। सरकार हमारे पास पूरे 13 पद स्वीकृत थे, वो स्वीकृत नहीं करेगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। सरकार, बीजेपी सरकार के एक नारा था गरीबों को शिक्षा नहीं देना, तो ये करके दिखा रही है कि सारे पद खत्म कर दिए, 10 पद, सिर्फ 3 पद छोटे हैं। तो अब जब यहाँ अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? बच्चों ने अपने पेरेंट्स हमें भी जाकर कहा कि जब हमारे सारे शिक्षक खत्म कर दिए तो हम स्कूल में किस लिए जाएं, इससे अच्छे हमें स्कूल से निकाल दो और कहीं भेजो। तो आज बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं, बच्चे भी अपने आप ही स्कूल से बाहर बैठे हुए हैं। जब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा
तब तक सरकार हमारे सारे पद स्वीकृत नहीं करेगी, इतना जारी रहेगा। इसके बारे में आज के धरने के बारे में हमने परसों भी बीओ साहब को बता दिया था, डीओ साहब को भी बता दिया था और एसडीएम साहब को भी बता दिया कि धरना ये हमारे पद स्वीकृत करवाए जाएं, वरना पर आगे एक सप्ताह का समय दिया है, एक सप्ताह में पद स्वीकृत नहीं किए तो हम धरना जारी रखेंगे और जो अनहोनी होगी उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। रेशलाइजेशन का एक बहाना बना करके और इन पदों को ख़त्म कर रही है, जबकि हमारे स्कूल में छात्र संख्या पूरी है, 50 के ऊपर बच्चे जो नॉर्म है 50 का, इतने बच्चे हमारे पास 9वीं 10वीं में हैं, नीचे संख्या पूरी है, केवल 3 ही पद अप ड्राइव के अंदर जो है छोड़े गए हैं, एक मुख्याध्यापक का, एक गणिताध्यापक और एक संस्कृताध्यापक, 3 अध्यापकों से स्कूल नहीं चल सकता। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे जितनी छात्र संख्या का अनुपात है उसके अनुसार हमारे बच्चों को शिक्षक मिले, ताकि हमारा स्कूल बढ़िया चल सके। ब्लॉक में शायद सबसे ज़्यादा संख्या हमारे हाई स्कूल की है, और जब ये ड्राइव में पद देखे गए हैं तो केवल 3 ही पद है, तो इस पर हमारे स्कूल को टूटने की संभावना है। बल्कि हम तो प्लस टू तक की संभावना कर रहे थे कि सरकार जो है प्लस टू बनाएगी, और नौबत ये आ गई, अब शायद बच्चे कहाँ जाएं। तो इस कारण से सभी ग्रामवासियों ने फैसला लिया है कि सरकार जो है हमें शिक्षक दे और हमारा स्कूल सुचारू रूप से चलता रहे, नहीं तो धरना हमारा जारी रहेगा।